अमेरिका के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त कुल 170 परमाणु हथियार हैं, जिन्हें देश के विशेष सैन्य ठिकानों पर रखा गया है। अगर पाकिस्तान इसी गति से अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में इजाफा करता रहा तो साल 2025 तक उसके परमाणु हथियारों की संख्या 200 तक पहुंच सकती है। 11 सितंबर को जारी बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट में बताया गया है कि इन परमाणु हथियारों को ले जाने वाली छोटी और लंबी दूरी की मिसाइलों को पाकिस्तान के किन किन हिस्सों में रखा गया है। परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम मिसाइलों और उनके मोबाइल लॉन्चर इस्लामाबाद के पश्चिम में काला चिट्टा दहर पर्वत श्रृंखला में स्थित नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स में विकसित किए जा रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि इस कॉम्प्लेक्स के दो हिस्से हैं। पश्चिमी हिस्से में मिसाइलों और रॉकेट इंजन का विकास, उत्पादन और टेस्टिंग की जाती है, जबकि फतेह जंग के उत्तर में पूर्वी हिस्से में सड़क द्वारा ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर इरेक्ट लॉन्चर्स यानी TEL बनाए जाने के सबूत मिले हैं। जून 2023 की तस्वीर से पता चलता है कि यहाँ नस्त शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइलों और बाबर क्रूज मिसाइलों के लिए बने ट्रांसपोर्टर इरेक्ट लॉन्चर्स की चेसीज भी मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास मौजूदा समय में तुरंत इस्तेमाल किए जा सकने वाले 6 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इनमें कम दूरी की अब्दाली, गजनवी, शाहीन IA और नस्त्र और मध्यम दूरी की गौरी और शाहीन 2 हैं। दो अन्य परमाणु हथियार सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं, मध्यम दूरी की शाहीन 3 और MIRVED अबाबिल। पाकिस्तान में पिछले 2 दशकों में सड़क से ला सकने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों के लॉन्चर को लेकर काफी विकास और विस्तार हुआ है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पूरे पाकिस्तान में मिसाइलों के 8 या 9 भंडार बनाए गए हैं, जिनमें छोटी दूरी वाली मिसाइलें बाबर, गजनवी, शाहीन 1 और नस्र के 4-5 ठिकाने भारतीय सीमा से सटे इलाकों में स्थित हैं। देश के अंदरूनी हिस्सों में 3 से 4 सैन्य ठिकाने हैं, जहां मध्यम दूरी की मिसाइलें शाहीन 2 और गौरी रखी गई हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये सटीक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों के कितने बेस हैं, लेकिन व्यावसायिक सैटेलाइटों से मिली तस्वीरों से पता चलता है कि पाकिस्तान में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम कम से कम 5 मिसाइल ठिकाने हैं। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2016 से इनकी संख्या में बहुत बदलाव नहीं आया है। ये 5 मिसाइल ठिकाने हैं: आर्को मिलिट्री बेस, गुजरांवाला मिलिट्री बेस, खुजदार, पानो अकील, सरगोधा। जमीन के अलावा पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइलें भी हैं जिन्हें समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। पाकिस्तान का दावा है कि बाबर 3 मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर है और इसे समुद्र से लॉन्च करने के लिए विकसित किया गया है। बाबर 3 से पाकिस्तान की 3 पनडुब्बियों को लैस किया जाएगा, खान, पांडा और नारंग। हालांकि अभी नई पनडुब्बियों की तैनाती में देरी है, लेकिन इनमें परमाणु हथियार से लैस बाबर 3 मिसाइलों की तैनाती संभव है। इसके साथ ही पाकिस्तान बाबर क्रूज मिसाइल का एक वेरिएंट हारबाह विकसित कर रहा है। इसे 2022 में लड़ाकू पोतों में भी तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान के प्रवक्ता ने हारबाह को हर मौसम में सक्षम एक सबसोनिक मिसाइल बताया था और इसकी रेंज 290 किलोमीटर बताई थी।